आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बनारस में पर्चा दाखिले के लिए निकले तो सड़कों पर हजारों समर्थकों का हुजूम उमड़ा हुआ था। केजरीवाल अपने कमांडरों के साथ खुली जीप पर सवार थे और भीड़ चारों तरफ नारे लगा रही थी। सड़क पर तिल रखने की जगह नहीं थी। जबकि बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 24 तारीख को नामांकन करने के लिए बनारस की सड़कों पर निकलेंगे तो इससे भी ज्यादा भीड़ सड़कों पर आएगी। बनारस की सड़कों पर सुनामी आ जाएगी। हर तरफ मोदी का शोर गूंज उठेगा। 24 तारीख को श्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से अपना पर्चा दायर करेंगे और मैं मानता हूं 24 तारीख को पर्चा दायर करते ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो हवा दिखाई पड़ती है वो हवा सुनामी में परिवर्तित हो जाएगी। नरेंद्र मोदी के नामांकन को देखते हुए बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। नामांकन का पूरा रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर सुबह आएंगे, उसके बाद बाहर बाई रोड आकर मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, फिर वापस हेलीकॉप्टर पर जाएंगे, हेलीकॉप्टर से काशी विद्यापीठ के हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से खुले वाहन जुलूस के रूप में 1.5 किलोमीटर का लंबा रास्ता कलेक्ट्रेट तक जाएंगे। 11:30 बजे के बाद और 12 बजे के बीच में वो नामांकन करेंगे और नामांकन करने के बाद पुलिस लाइन के हेलीपैड से प्रस्थान कर जाएंगे। अब आपको मोदी का बनारस प्लान बता देते हैं। सुबह 8:30 बजे मोदी बाबतपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे। 8:40 पर हेलीकॉप्टर से BHU के लिए रवाना होंगे। सुबह 9 बजे BHU के हेलीपैड पर उतरेंगे। सुबह 9:10 पर BHU गेट पर मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। सुबह 9:20 पर माल्यार्पण के बाद वापस BHU हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। सुबह 9:30 बजे BHU से हेलीकॉप्टर से काशी विद्यापीठ के लिए रवाना हो जाएंगे। सुबह 9:50 पर मोदी काशी विद्यापीठ हेलीपैड पर उतरेंगे। सुबह 10 बजे मलदहिया चौराहे पर सरदार पटेल की प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे। सुबह 10:10 से रोड शो की शुरुआत होगी। करीब 11:30 बजे मोदी नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। नामांकन के बाद करीब 12 बजे कचहरी से सड़क रास्ते मोदी पुलिस लाइन के लिए निकलेंगे। दोपहर 12:10 पर मोदी पुलिस लाइन से हेलीकॉप्टर से वापस बाबतपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे और करीब 12:30 बजे बाबतपुर से वो वापस प्रस्थान कर जाएंगे। यानी मोदी करीब करीब 4 घंटे बनारस में नामांकन के लिए वक्त बिताएंगे। लेकिन उनके खिलाफ बनारस से मोर्चा लड़ रहे केजरीवाल ने मोदी के इस प्लान और हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर करारा तंज कसा है। ये लड़ाई उन सब लोगों की है जो इस देश से गरीबी दूर करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं तो इस टूटी फूटी जीप के नामांकन पत्र भरने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना कि कल नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। वो हेलीकॉप्टर से आएंगे, उनका हेलीकॉप्टर BHU में उतरेगा। फिर वो BHU के अंदर पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति के ऊपर माला चढ़ाएंगे। आपने तो मोदी के इस प्लान पर हमला किया ही है, कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। मोदी की सुनामी और बनारस प्लान को लेकर निशाना साधा है। चुनाव आयोग को कांग्रेस ने चिट्ठी लिखी है जिसमें जिक्र किया गया है कि पहले भी किसी विश्वविद्यालय को हेलीपैड के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी गई। देखिए, यही तो देश को डर है, क्योंकि सुनामी तो विनाश करती है, नुकसान करती है, तबाही लाती है। और अच्छा है उन्होंने बता दिया देश को कि सुनामी आने वाली है, तबाही आने वाली है, तो ताकि हिंदुस्तान चौकस हो जाए और वो मौका ही ना आने दे के हमारे मुल्क में सुनामी आए। जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे और सोनिया जी जब वो कांग्रेस अध्यक्षा, उनको भी वहां हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत नहीं दी गई और 2001 से लेके आज तक कभी किसी को इजाजत नहीं दी गई है। हमें नहीं मालूम कि ये इजाजत किस तरीके से और कैसे दी गई है और इसका जो जगह है जिसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष बनारस प्लान को लेकर सवाल उठा रहा है, लेकिन मोदी समर्थक और बीजेपी 24 अप्रैल के नामांकन को ऐतिहासिक बनाने के लिए जोर शोर से जुटे।
आपको बता दें कि दिसंबर 2013 की रैली के लिए भी जब मोदी बनारस आए थे तो काशी विद्यापीठ के हेलीपैड पर उतरे थे। इस बार भी तैयारी हो चुकी है। काशी विद्यापीठ के हेलीपैड पर उतरने के बाद इसी मलदैया चौक पर नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जहां से उनका काफिला शुरू होगा। लेकिन सबसे पहले वो इस मलदैया चौक पर स्थित सरदार पटेल की इस प्रतिमा को माल्यार्पित करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद यहां से नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होगा, जो कि कचहरी की तरफ बढ़ेगा। इस तरफ कचहरी की तरफ नरेंद्र मोदी का काफिला बढ़ जाएगा। मोदी बनारस और वडोदरा से चुनाव लड़ रहे हैं। वडोदरा में भी मोदी ने नामांकन के दौरान जबरदस्त भीड़ जुटाई थी, विरोधियों को इसका एहसास कराया था। और वही ताकत फिर से बनारस में दोहराने की तैयारी हो रही है। मोदी की पिछले साल की बनारस रैली भी ऐतिहासिक थी, जब मोदी ने शंखनाद किया था और एक बार फिर मोदी बनारस आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के कल के नामांकन को देखते हुए बनारस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। गुजरात पुलिस के सैकड़ों जवान और कमांडो भी पहुंच चुके हैं। प्रशासन ने मोदी के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा का इंतजाम किया है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2013 की बनारस रैली से ही विजय का शंखनाद किया था। भीड़ और खतरे को देखते हुए मोदी की उस रैली में भी सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम थे। हालांकि उस वक्त तक ये तय नहीं था कि मोदी बनारस से ही लड़ेंगे, लेकिन अब मोदी बनारस से ही चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा इस बार Z+ श्रेणी की सुरक्षा से लैस बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जब बनारस में नामांकन के लिए आएंगे तो चप्पे चप्पे पर एक बार फिर जवान मुस्तैद रहेंगे, जिसकी पूरी तैयारी प्रशासन ने कर रखी। बनारस प्रशासन ने आप नेता केजरीवाल के नामांकन को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए थे और मोदी को लेकर भी उसके पूरे इंतजाम है। चूंकि मोदी की सुरक्षा को लेकर पहले से ही खुफिया एजेंसियों के अलर्ट आते रहते हैं, लिहाजा उनकी सुरक्षा जबरदस्त घेरे में रहती है। हमले की आशंका को देखते हुए मोदी के हर तरफ जवान चौकस रहते हैं और मोदी के बनारस नामांकन को लेकर भी सुरक्षा का जबरदस्त प्लान तैयार किया गया है। मलदैया चौक से सरदार पटेल को माल्यार्पण करने के बाद नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से कचहरी की तरफ बढ़ेंगे और इसीलिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाएंगे। जो घर दिख रहा है उसके दोनों तरफ घर के छतों पर पुलिस वाले तैनात होंगे, हर छत पर पुलिस वाले तैनात होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पुल सामने है, पुल पर भी सिक्योरिटी वाले होंगे। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ता वहां से फूल बरसाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पूरी कोशिश होगी सुरक्षा की किस तरह से रोके। एंटी सबोटेज टीम के अलावा वहां पर जो बम स्क्वाड की टीम साथ में होगी और सारे लोग वहां पर होंगे और इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे नरेंद्र मोदी। मोदी जिन जिन रास्तों से गुजरेंगे पुलिस उन पर मौजूद रहेगी। सड़कों की रेखी पहले से ही की जा रही है। गुजरात पुलिस के जवान और कमांडो भी मौके पर मौजूद रहेंगे। 2 कंपनी PAC की भी तैनात रहेगी, साथ में UP पुलिस के जवान और बम स्क्वाड भी होगा। मोदी के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है। पहले घेरे में कमांडो, दूसरा घेरा गुजरात पुलिस के जवानों का और तीसरे घेरे में यूपी पुलिस और PAC के जवान रहेंगे। सड़क के दोनों तरफ की बिल्डिंगों पर भी कमांडो और पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। स्वामी विवेकानंद पार्क से ठीक पहले इसी जगह नरेंद्र मोदी का रोड शो खत्म हो जाएगा और यहाँ पर जो उनके समर्थक होंगे उन्हें इस बैरिकेडिंग से आगे जाने की इजाजत नहीं होगी। यहां उतरने के बाद नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद जो 3 गाड़ियों का काफिला होगा, जिसकी इजाजत होगी चुनाव आयोग की तरफ से, उन 3 गाड़ियों के काफिले के साथ नरेंद्र मोदी आगे कचहरी की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर वो अपना नामांकन करेंगे। रोड शो के आखिर में जब मोदी कचहरी गेट से पहले पहुंचेंगे तो केवल 3 गाड़ियों का काफिला नामांकन के लिए भीतर चला जाएगा, बाकी समर्थक बाहर ही खड़े इंतजार करेंगे। मोदी के नामांकन को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस, PAC और गुजरात पुलिस के अधिकारी प्लान तैयार कर रहे हैं। नामांकन के लिए जाने वाले रास्तों पर हर वक्त निगाह रखी जानी है।
मोदी की सुरक्षा को लेकर पहले से ही एहतियात बरते जाते रहे हैं। पिछले साल पटना रैली में एक के बाद एक धमाकों के बाद मोदी को SPG सुरक्षा की मांग भी उठी थी। इसी के बाद से हर जगह मोदी को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाते रहे हैं।